स्टूडेंट्स, आज आपको मैथ क्लास के अंतर्गत क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सर्किल से लिया गया है वो इस प्रकार है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, यानी एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती है? तो इसका आंसर है अनंत, यानी इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास, एंड डायमीटर। अब अगला क्वेश्चन है नंबर 3, वाह स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना है? तो ओनली 3। अब अगला क्वेश्चन है नंबर 4, अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, यानी कॉमन टेंजेंट्स होती है? तो इसका आंसर होगा 1, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्याएँ 1 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो आंसर हो गया 1। यह स्पष्ट है कि कोई भी स्पर्श रेखा किसी भी सर्किल पर एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त में कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं, यानी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? इसका आंसर होगा 2। 2 इसलिए होगा कि किसी भी एक सर्किल में पैरेलल रेखाएं ऊपर और नीचे एक बिंदु से ही गुजरती है, इसलिए नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स 2 होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? उसका आंसर होगा अनेक, यानी इनफाइनाइट। तो यह स्पष्ट है कि किसी भी सर्किल के परिधि यानी सर्कमफेरेंस में जितनी बिंदुएं होगी उतना टेंजेंट्स खींचा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, यानी अनेक। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9, किसी वृत्त के अंदर एक दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, यानी हाउ मच टेंजेंट्स खींची जा सकती है? इसका आंसर होगा 0, यानी 0। 0 क्यों हुआ? इसीलिए कि जब भी टेंजेंट्स यानी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो वह परिधि के किसी बिंदु से होकर खींचा जा सकता है, न कि उसके अंदर किसी बिंदु से खींचा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर टेंजेंट्स की संख्याएँ 0 होगी। अब इस वीडियो का अंतिम यानी लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, वो सिंपल सवाल है लेकिन थोड़ा सा उजला हुआ है, क्वेश्चन को ठीक से समझ। किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है, किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट पर से कितनी टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं? तो आंसर होगा 2, ओनली 2 टेंजेंट्स ही खींचा जा सकता है किसी भी वृत्त पर, यदि वह एक्सटर्नल पॉइंट पर कोई बिंदु है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं साथ में घंटी दबाना न भूलें, क्योंकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को फिर पहुंचा सकें।